सलमान खान की बॉलीवुड में चमक के साथ धमक भी है। उनसे पंगा लेने में सभी डरते हैं। अब अनीस बज्मी को ही लीजिए। सलमान ने उन्हें परेशान कर रखा था नो एंट्री का सीक्वल। नो एंट्री में एंट्री बनाने की चाहत अरसे से अनीस दिल में पाले हुए हैं। पहले तो उन्हें सलमान ने स्क्रिप्ट दिखाने के लिए कहा, फिर तारीख पर तारीख की तर्ज पर बदलाव होने लगे। अनीस भिड़े रहे, बदलाव करते रहे और सलमान रिजेक्ट करते रहे। बहुत सताने के बाद सलमान ने कह दिया कि वो अब ये फिल्म नहीं करना चाहते। अनीस समझ ही गए होंगे कि सलमान तो ये फिल्म पहले दिन से ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने न जाने किस बात का बदला इस तरह से अनीस से लिया। इस फिल्म के निर्माता है बोनी कपूर। अनीस ने उनके बेटे अर्जुन कपूर के साथ ही सीक्वल बनाने का फैसला लिया। बात जब अर्जुन तक पहुंची तो वह खुश हो गए कि सलमान की फिल्म का सीक्वल करने को मिल रहा है, लेकिन इस बात से डर भी गए। अनीस को उन्होंने ये कहकर टरका दिया कि वे सलमान से पहले परमिशन लेंगे, यदि सलमान हाँ कहेंगे तो ही वे फिल्म करेंगे। अनीस फिर लटक गए क्योंकि सलमान से मिलने की हिम्मत अर्जुन जुटा ही नहीं पा रहे हैं। सभी को पता है कि मलाइका अरोड़ा के साथ अर्जुन की लुका छिपी चल रही है। बात सलमान के कानों तक भी पहुंच गई है। ऐसे में अर्जुन सामना कैसे करें सलमान का? पता नहीं नो एंट्री का सीक्वल कब बनेगा या बनेगा भी या नहीं।